अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खैरियत से आप ठीक हैं? इस्लामाबाद ड्रीम होम्स में वेलकम करते हैं आप सबका। तो DHA 5 इस्लामाबाद ओवरसीज़ सेक्टर के की पोजीशन स्टार्ट हुई थी 6 to 8 months हो गए, और DHA 5 सेक्टर के में घर भी बन गए, अस्करी फ्लैट्स भी बन गए। शॉर्ट सा रिव्यू है सेक्टर के का, मेरे साथ चले स्ट्रीट व्यू करते हैं, रोड्स का व्यू करते हैं और उसकी सूरत हाल देखते हैं। आए मेरे साथ, फिर हम वहाँ की तरफ निकलते हैं। तो जनाब, हम अपनी ज़रा सी जर्नी, छोटी सी जर्नी है जो स्टार्ट करते हैं Street 52 सेक्टर सी से। अब आप आगे देखते जाएँ सूरत हाल, सेक्टर सी Street 52 से अगर हम निकल के बाहर की तरफ जाएं तो ये आप देखें खासा काम हो रहा है इसका, फुटपाथों का और इनका, रोड्स का भी तेज़ी से काम जारी और सारी है। और यहाँ से मैं निकलूँगा बाहर की तरफ, यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं हम Street 54 से, और Street 53 सेक्टर सी DHA 5 इस्लामाबाद। ये कोई नया घर बना है जहाँ पे लोग देखें आज इनका ख़त्म हो रहा है शिफ्टिंग के लिए, जब अदब घर बन रहे हैं, नहीं कंस्ट्रक्शन और हो रही है नहीं, और आबाद हो रहा है DHA 5 इस्लामाबाद। ये भी सामने देखें नया घर फिनिशिंग लेवल पे। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, मैं ये कह रहा था अस्करी हाइट्स, ये भी आपको चल के दिखाते हैं। सामने सारा सेक्टर किया है वो भी दिखाते हैं, और ये नई रोड्स बनी हुई हैं। अगर आप देखते चलें मेरे लेफ्ट साइड पे नया घर, राइट साइड पे नया घर, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट DHA 5 इस्लामाबाद। लेफ्ट साइड में मेरे देखें तो ये मस्जिद जो बन रही है ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन के करीब है, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखी। और ये देखें, ये जो सामने रास्ता जाता है ये लेफ़्ट साइड मेरे जाता है, ये यहाँ से लेफ़्ट साइड ये जाता है रिवर व्यू की तरफ। ये सामने रिवर व्यू वाला सारा काम जारी है सारी है। उसके अलावा सामने का सारा एरिया इन्होंने ले लिया, DHA ने ऑक्यूपाई कर लिया, जो इन्होंने अपने गांव वगैरह वालों से लेना था उस पर भी सारा काम जारी। मैं लेफ्ट अभी रिवर व्यू नहीं जाऊँगा, रिवर व्यू की मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ये राइट, मेरे सेक्टर सी से हम निकले हैं, सेक्टर के और जे इस तरफ जाते हैं, लेकिन हम अभी जाएँगे सेक्टर के का आपको अपडेट दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। और यहाँ से आते हुए सेक्टर सी की ये 57 स्ट्रीट है, यहाँ पे सेक्टर सी फिनिश हो जाता है। ये सामने आप चौक देख रहे हैं, ये जो चौक है दुनिया का चौक वर्ल्ड बना हुआ है। यहाँ पे जो है सूरत हाल काफ़ी चेंज है, नए ब्रिजेस बने हुए हैं। ये सेक्टर के की अपडेट है, नया ब्रिज है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो एक नया घर स्टार्ट हो रहा है अल्फैसल कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, प्रोजेक्ट उनका एक नाल का घर सेक्टर के ओवरसीज। एंटर होते ही एक घर बना हुआ है, सामने देखें तो दूसरे घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, सेकंड लेवल तक पहुंच गया है। ये मेरे लेफ्ट देखें तो एक और घर की बुनियादें खुदी हुई है सेक्टर के। हाँ बेटे, पाकिस्तान का झंडा भी लगे हुए। ये लेफ्ट देखें तो ये घर बन रहे हैं इस टाइम सेक्टर के ओवरसीज में। 8 घरों की कंस्ट्रक्शन जारी और सारी है, 8 से 9 घरों की कंस्ट्रक्शन जारी और सारी है। ये सेक्टर के का पार्क है, खूबसूरत पार्क, और वो मेरे बैक साइड पे देखें आप, वहाँ पे भी घर बन रहे हैं। तो ये सेक्टर के Street 9 के पास आके मैं रुका हूँ। तो मकसद बात करने का है कि सेक्टर के की जो पोजीशन स्टार्ट की थी इन्होंने कुछ वक्त पहले, और इतनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, पार्क भी बने हैं, घर भी बन रहे हैं। तो सेक्टर के ओवरसीज जो वहाँ पे एक नाल प्लाट के कैटेगरी में जो है, यहाँ पे ये टेक्निक के पास ये भी सारा कंस्ट्रक्शन है।
ये लेफ्ट साइड पे देखे तो ये ना कमर्शियल एरिया और कितना खूबसूरत ट्रेस पास और ये जो सर्विस रोड भी छोड़ा, ये सामने जो अस्क्री मीरा अस्क्री टावर है, अस्क्री टावर फोर, अस्क्री टावर फोर डी एच एफ फाइव सेक्टर टी में आ रहा है, यहाँ से भी नजर आता है। तो ये भी रेडी फॉर पोजिशन है, इनके तीन ब्लॉक रेडी हैं, ये जो वाइट कलर से हुए हैं वो रेडी हैं। ये अस्क्री अस्क्री टावर फाइव एवेन्यू फाइव के पास, ये सेक्टर के में हूँ, दरमियान में ये एक वो इनका यहाँ ब्रिज बनना है, क्रॉस है, यहाँ से सारे नज़र आ रहे हैं, ये जो रेडी है अस्क्री टावर। और अब मैं आपको यहाँ से घुमाता हुआ बाहर की तरफ ले चलूँ, अगर ये देखें आप यहाँ पे सेक्टर के में खासे घर बने हुए हैं और बन रहे हैं, ये देखें ये भी एक घर ज़्यादा डल गई है, कंस्ट्रक्शन इसके अभी स्टार्ट हुई है। तो व्यूअर्स, ये मेरा एक शॉर्ट सा रिव्यू था आज सेक्टर के बारे में। ये देखें ये राइट साइड पे घर बन रहे, ये इनका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सेक्टर के का, ये वाटर टैंक और ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो जल्द इसके साथ ही वीडियो थी सेक्टर के बारे में। सेक्टर के में अगर आपके एक नॉल कैटेगरी के प्लॉट बात करें जो पोजेशन वाला है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, उसकी प्राइस है 3 करोड़ 20 से लेके 3 करोड़ 80-90 के दरमियान, डिपेंड करता है लोकेशन पे, 3 करोड़ 20 से लेके 3 करोड़ 80 के दरमियान एक नॉल प्लॉट की बात हो रही है जो डी एच एफ फाइव सेक्टर के में अवेलेबल है फॉर सेल। तो सामने सारा सेक्टर सी है, अब हम सेक्टर के से निकल रहे हैं। तो आओ नीचे, ये देखो सामने भी एक पार्क है सेक्टर के का। तो हादिन बेटे, आपको कैसा लगा सेक्टर के डी एच ए फाइव का? अच्छा लग रहा। अच्छा है, बहुत चीज़ें जब सारी बन जाएगी तो और अच्छा लगेगा। हाँ ये देखो बहुत अच्छा बन रहा है, ये भी एक छोटा सा पार्क है, सामने फिल्ट्रेशन प्लॉट है। तो हम अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे तो बेंच भी लग गए हैं, पौधे भी लग गए हैं, ग्रास भी लग गया है ना, वाओ ब्यूटीफुल। This is all Sector K DHA5 Islamabad. Okay, beta. Allah Hafiz. Okay, Allah Hafiz. Make sure to like, subscribe, share, comment. Thank you.